और हमारे बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेन टिकट तो कैंसिल करवा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि उसका पेमेंट कब तक वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। तो दोस्तों रेलवे का रूल्स यहाँ पे ये बोलता है कि आप इमरजेंसी में इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक 40 गाड़ी छूटने से 48 आवर्स पहले तक या उसके बीच में अगर आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक अगर उसके पहले भी आप यूज कर लेते हैं तो जो रिफंड होगा रेलवे आपको प्रोवाइड कर ही देगा, लेकिन वो जो टिकट जो टिकट निकालता है वो दो तीन चीज़ें आपको सुनाएगा, बोलेगा कि ये फैसिलिटी एक या दो दिन पहले करनी चाहिए तो ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। गलती से अगर आप एक महीना पहले या चार दिन दस दिन पहले कर देते तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पैसा फिर भी आपको मिल जाएगा। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपने काउंटर टिकट ऑनलाइन कैंसिल करवा दिया है तो गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले तक उसका पेमेंट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी छूटने से आधे घंटे पहले तक उसका पेमेंट ले लीजिए वरना पेमेंट भूल जाइए। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिए। बहुत से रेल यात्री ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है, वो सोचते चलो हमने काउंटर टिकट ऑनलाइन कैंसिल कर दिया है जाके आराम से ले लेंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है वरना आपका पैसा डूब सकता है। काउंटर टिकट अगर आप ऑनलाइन कैंसिल करवा रहे हैं तो 12 घंटे चार्ट बनने के 4 घंटे पहले कैंसिल करवाते हैं या फिर एक दिन या फिर दो दिन पहले कैंसिल करवाते हैं तो भी गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले तक आप पेमेंट ले लीजिए। जो भी बैटिंग चार्ज या कन्फर्मेशन चार्ज जो भी कटती है वो कट के आपको पूरा पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बताने में आया था हमारे सभी यूजर्स को, जो यूजर्स जानना चाहते थे वो और जिनको नहीं पता होगा उनको समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय किसना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।